जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जिंदाबाद। और मेरे यूथ के स्टेट के वाइस प्रेसिडेंट रफीक खान साहब और विजय सर का नाम है नजर में पड़े, हमारे पिता सुमान और हमारे सीनियर लीडर विजय बंगाया साहब, फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी और हमारी पार्टी के जनरल सेक्रेटर जी बोल राज जी, मदन लाल लोत्रा जी स्टेट कोऑर्डिनेटर्स और मेरे अपनी पार्टी अल्ताफ साहब की कयादत में वजूद में आए। क्यों आए, जरूरत क्या? पिछले इन 73 वर्षों में एक ऐसी सियासत चली जिसका मकसद मुल्क को मजबूत करने, रियासत को मजबूत करने के बजाय लोगों को तकसीम करने की सियासत चली। जम्मू को कश्मीर से लड़ाया, कश्मीर को जम्मू से लड़ाया, हिंदू को मुसलमान से लड़ाया, मुसलमान को हिंदू से लड़ाया। अपनी पार्टी ये पैगाम देना चाहती है कि हमें इकट्ठे रहना है, इकट्ठे चलना है, बारी बन के आगे बढ़ना। बहादुर जैसे नौजवान इस पार्टी में शमूलियत करेंगे, ये पार्टी ही मजबूत नहीं होगी बल्कि जम्मू कश्मीर के लोगों का विश्वास मजबूत होगा, इनका इतिहास मजबूत होगा, उसके लिए काम करनी है। हमें देखना है कि जम्मू कश्मीर के लोगों की इंटरेस्ट महफूज रहे। कभी हमको एक नाम से लड़ाया, दूसरे नाम से लड़ाया, मैं उस लीडरशिप को जो जम्मू को कश्मीर से लड़ाते हैं, कश्मीर को जम्मू से लड़ाते हैं, उनसे पूछना चाहता हूं, जब जम्मू की लड़ाई हुई यहां के नौजवानों के लिए सीटें रिजर्व थी, यानी जो मुल्क के अंदर एज लिमिट था IAS के लिए, IPS के लिए, यहां स्पेशल एज लिमिट था, वो खत्म किया सरकार ने। यहां की लीडरशिप क्यों नहीं उस वक्त उठी है? ये कश्मीर के मुसलमानों का मसला नहीं था, जो जम्मू कश्मीर के नौजवानों का मसला था। अब कैसे तकसीम हुए लद्दाख और जम्मू कश्मीर टेरिटरी के दरमियान? यहां के जम्मू के लोगों का ज्यादा चंडीगढ़ जाना होता है, जम्मू के लोगों का ज्यादा दिल्ली जाना होता है। आवाज क्यों नहीं उठी कि यार हमारा हिस्सा कहां गया? जब कश्मीर से बात आती है कहती है ये तो मुसलमानों का मसला है ना, ये कश्मीरियों का, ये जम्मू कश्मीर के लोगों के सांझे मसले हैं। यही अपनी पार्टी और अल्ताफ साहब कहता है, चाहे जम्मू का वासी हो चाहे कश्मीर का वासी हो, हम इनकी इंटरेस्ट को किसी भी सूरत में खत्म नहीं होने देंगे। हम शीशे की बनी हुई दीवार बनके जम्मू कश्मीर के लोगों की हितों की हिफाजत करेंगे। यहाँ न हिंदू का सवाल है, न मुसलमान का सवाल है, न सिख का सवाल है, न ईसाई का सवाल है। हम हिंदुस्तान के शहरी होने के नाते जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं और इकट्ठे रहेंगे और जम्मू कश्मीर को तरक्की पर ले जाएंगे। मैं यहाँ पर जो अपनी युवा टीम है उनको आज मुबारकबाद देता हूँ। उन्होंने जब कच्चे चल के यहाँ तेजेंद्रा, उसको अभी पार्टी ने कोई जिम्मेदारी नहीं दी, लेकिन जब यहाँ मैं तकरीरों में सुन रहा था हमारे जो प्रोविंशियल प्रेसिडेंट है गौरव, इन्होंने कह दिया कि तेजेंद्र ने एक रोल किया कि अतुल जी को पार्टी का प्रोग्राम समझाया, अतुल जी इस समय यहाँ पार्टी में आ रहे हैं और पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करने की ख्वाहिश दिखा रहे हैं। जब हमारे सारे चाहे पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन के लोग हों चाहे नौजवान के नौजवान हों, जब वो इस मकसद के लिए कि हमें
जम्मू कश्मीर के लोगों को खुशहाल बनाने के लिए काम करना है, आगे जाना है, इसके लिए अपनी पार्टी को मजबूत बनाना है, तो डेफिनेटली अपनी पार्टी मजबूत हो जाएगी, जम्मू कश्मीर के लोग मजबूत हो जाएंगे। हम ऐसी